भाई बहन वाल को बनते न रे कोई और बनते न अरे विधायक को नहीं रिजार्ट ना राठौड़ को पैसे नोकरा दी कांग्रेस आगे रहे हमारे काम हो कांग्रेस रहे ना तो इब का क्या लगे अब का कौन रहे ते पायलट हो चाहे हनुमान बिन याल हो चाहे कोई भी ए अपनी रोटी के नीचे आग लगावे है ए दूसरा पानी गिर के बुझावे बोल ना जितनी गल होती बनाई कोई नहीं कोई अब झूठा डाक फाड़ता करें राठौड़ गहलोत सरकार देरी की है बना रहे हो तो हटे राजेंद्र राठौड़ है नहीं तो गहलोत सरकार तो तहसीला और बहुत बड़ी हल्दी में माटी मिर्चा पता नहीं क्या घास फूस भर रखे रंग गोल रखे है धनिया में गिर रखे मुँह बड़े छिलका है दाल का चना के चना की दाल ही को नहीं बा नहीं तो वोट तो मंत्री नहीं देशा भाई तो दे तो कह रहे हो जा ताव सुनो हां तो को नहीं तो पाणो को नहीं बट जावा कड़े मारे के है जावा कड़े तो अरे धनी को नहीं को कांग्रेस को आज में मैं दोनों दो पार्टी का पर सिद्धांत एक ही है दो पार्टी होते या बताओ मुख्यमंत्री की जो ये योजना है गहलोत की ये योजना कितनी गए फायदे में बूढ़िया तो क्यों खराब करे क्या मैं लुगाड़ा ने फोन दे दिया चाय वास्ते बैठा रहे चाय ला दो रे वो सुंदर लगे मान तो गहलोत को लगे नमस्कार मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24 RJ TV 24 की चुनावी यात्रा के तहत हम गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव देहात में क्या समस्या नज़र आती है। इस वक्त हम पहुंचे हैं चूरू ज़िले की चूरू विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर एक गाँव पड़ता है सोमासी। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। और लगातार 7 बार यहाँ से राजेंद्र राठौड़ साहब विधायक बने हैं, विधानसभा पहुँचे हैं, तो उन्होंने गांव देहात में शहर में क्या क्या काम करवाए हैं। बाबा राम राम। राम राम। की नाम है? राम कुमार नाम है। अच्छा बाबा यह बताओ राठौड़ साहब है तुम्हारा 7 बार विधायक बना है, के लगे कितनों काम करवाए हैं? कितनों काम? मैं तो कहा जीत छी मंत्री आ बात है, काम कोई लेनो न कोई देनो, क्लियर जीत छी। काम सुखी लेनो देनो को ना कोई कल्याण देनो को नहीं है आटा तो के कारण माने है के कारण के गैर आदमी को कोई कोई काम करे मान सम्मान करे इनके बात है। हर आदमी का काम है, काम का आदमी ने विकास को नहीं चाहिए कि स्कूल को नहीं चाहिए हॉस्पिटल को नहीं चाहिए। मारे काम में स्कूल ही है, बड कहेंगे मंत्री जी बने पहली स्कूल है अस्पताल है सो क्यों आए थे। अच्छा सामने कौन आओ तो है कांग्रेस में भी कई आदमी घूम रहे हैं। जो चाहे कोई घूम है मंडेली और तनवीर रियाना आवे चाहे कोई आवे कोई कुछ भी कौन बैठे एक ही और मैं तो सुने रहा राठौड़ साहब भी तारानगर जा सके है तारानगर जाए मान के इधर फिर के उवर के नो जको मैं थाने पहले गए लाल सारण आ जाओ तो है अब भी की कह कौन से काम मैं तो अरदास सारण की झूठ कोन का सा के ये के रुयो बैठे भाई राठौड़ आवा को जदी जीतता को। हां हां अच्छा या बताओ मुख्यमंत्री की जो ये योजना है गहलोत की ये योजना कितनी गए फायदेमंद के महंगाई राय तर चिरंजीवी योजना और मोबाइल दे रहे वेर बे रुत के गेल तो काम करिया को नहीं रबो ओ मैं बरस जा तड़के 20-20 अंगले जा गाले ये मारले सूल करे तो हाथ को दी क्या बात है मारले तो गाले ये सूल करे तो हाथ को दी बा बात है तो अब मरीडे के उंटियो दा बेनजत बियु असर को नहीं आवा बाबा तमने के लागे योजना के बारे में नहीं ये योजना मेरे लिए तो बताऊं आपको के माने बूढ़िया तो क्यों खराब करे क्या मैं लुगाड़ा ने फोन दे दिया चाय वास्ते बैठा रहे चाय ला दो रे भाई ध्यान कौन दे लगे ओ मुख्यमंत्री ओ बंटे भाई मिर्च मसाला आगे आगे बम की कोनी बम है सब मिला उठे खाचने तो 12 महीना पकड़े कोनी सिटी बीवी के पक्को। अच्छा चाहे खुद बीमारी को घर ले रहा है बीमारी को घर है पक्को। हल्दी में माटी मिर्चा पता नहीं क्या घास फूस भर रखे रंग गोल रखे है धनिया में गिर रखे मुँह बड़े छिलका है दाल का चना के चना की दाल ही को नहीं बाड़ी दाल करे क्या भगवान जाने बीमा भी मिलावट है सब में मिलावट है सरकारी मिलावट ही है पूरी। तो इबका क्या लगा 23 के चुनाव में कौन सी सरकार देखो ये तो जनता को है। हाँ इतने यदि ये दोनों आमने सामने रहते हैं तो 99% आस बीजेपी की है। अच्छा यो आजकल पायलट हनुमान मेनीवाल भी कई रोड़ो कर रखियो है ए आप आपकी रोटी सेक है। अच्छा ए आप आपकी रोटी सेक है से पायलट हो चाहे हनुमान बिन याल हो चाहे कोई भी ए अपनी रोटी के नीचे आग लगावे है ए दूसरा पानी गिर के बुझावे
भी नाम सुने के हनुमान को और भी पायलट को जाना जाना चौक कितनी आदमी है आदमी से चौक है बापड़ा दुनिया बढ़िया है दोनों बढ़िया है दोनों बढ़िया है तो बेबी चुनाव चुनाव लड़ रहे हैं बेबी हनुमान मिलने वाले तो आपकी पार्टी ले रहा है नहीं कोई कांग्रेस को आदमी और कोई बीजेपी को आदमी में दोनों दो पार्टी का सिद्धांत एक ही है मैं बीजेपी हूँ ये तो खुद बीजेपी ना कांग्रेस हूँ कौन सी पार्टी हो बाबा मैं तो कांग्रेस को इसका किन देगा फिर के वोट मेरे सुन दो आदमी कांग्रेस का और जीता और अठोड़ नो है क्यों करे जीते काम करे काम करावे इसे के करा दिया बताओ जी भाई गांव में जैसे ने टीम ये टीम तो वो काम करा दे के कोई आदमी आज तनी रे है जे बीमार हुए जयपुर लेके गए तो भी आदमी ने सहयोग करवाए अभी डॉक्टर मिले हैं भर्ती करवाए हैं परेशान को नहीं होने दियो ये के करे बाबा हर गांव में जा सोपचास आदमी का पर्सनल है फलान सिंह ढिंकड सिंह एक तो वो है मेन कारण है पर 40 साल हो गया इन्हें आधी रात को एक दिन चलो जिसी ने तो वो ना को नहीं काम के लिए ऊन लड़ा के लिए अब कांग्रेस आ रहा मिलो दो चार जना शहर में बे कह भाई भाई लड़ा तो बतावे अब क्यों लड़ाऊं तो होगा मैं तो आज 40 साल तो मान लो गया देखता मैं तो लड़िया को नहीं कहने को लाच आदमी है ठीक है भैया आदमी मान तो ठीक लगे मंडेली और मंडेली मंडेली उसाए मंडेली वाला आदमी जाने कांग्रेस वाला मान तो कदे लज दे तो आज को मैं तो बार दरगाह में आयो कोने आयो वोट लेने वोट क्यों आगे आवे गेड़े को ये इब भी आवे गे हां अब कल है उसके अब कल मन मुश्किल लगे इब का मुश्किल लगे हां अब कल हम करे भाई साहब देखे करे और कांग्रेस आगे रहे हमारे गांव में कांग्रेस रहे ना तो इब का के लगे अब कर कोने रहे अब का मंडेलियो जी आपका चुनाव लड़ा कांग्रेस से के लगा इब का चुनावी माहौल गांव में चौपड़पत्ती ताशपत्ती खेल रहे हो दे चुनाव में राजेंद्र राठौड़ है राठौड़ है काम कितनों कराया राठौड़ काम बहुत कराया लोगों जी हाँ के सार्वजनिक काम बहुत कराया ग्रामीण गांव स्कूल है हॉस्पिटल है सड़क है पर्सनल काम लोगों का बहुत कराया गांव में स्कूल कौन सी क्लास तक है 12वीं तक है साहब 12वीं तक है और हॉस्पिटल भी है कौन है छोटा मोटा है साहब है कि एक और किशोर है जोर को है जोर को है राठौड़ कितना काम करवाया अरे सगलो करा दियो रोग रोग छोड़े ही नहीं अब मुख्यमंत्री बात करा मुख्यमंत्री कौन सो ठीक लगे वो मान रहा है यार बनभूज वसुंधरा लगे मान तो गहलोत को लगे राठौड़ तो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहे तो वो पार्टी को फैसला है पार्टी जो निर्णय करेगी वो होगा जबकि वसुंधरा गहलोत ना वसुंधरा बढ़िया लगे इसका बीजेपी आ रही तो वसुंधरा आगे कौन कर रहा है आगे नहीं करेगी तो और पार्टी फैसला करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हो रही है पार्टी फैसलो करेगी वही मुद्दे की बात करा गांव देहात में सारा लोग किसानी खेती करे है यो किसान आंदोलन हो यो किसो हो सही हो कोने हो सही किसान आंदोलन सही हो वो तो आयोग हो गए तो भी मंजूर मान लियो अब मोदी ने तो बी को फर्क पड़ेगा कोने पड़ेगा वोटा बीजेपी आ रहा है कोई फर्क कौन पड़े वो शर्त मंजूर कर ली नहीं मंजूर नहीं करे तो अभी फर्क पड़ता लेकिन नरेंद्र मोदी पर शर्त मंजूरी कर ली तो फर्क क्या पड़ना है तो आठे तो राजेंद्र राठौड़ को डंको है बढ़िया काम करे बीमार शिमार ने फोन करता है कि सागे सागे जाए कोई काम सार्वजनिक काम है तो करे आपको खुद को व्यक्तिगत काम है तो करे तो राजेंद्र के मुकाबले का न तो यहाँ है न आएगा पेंशन पेंशन मिले को ना मिले बहुत मिले मिलेगी मान तो कौन मिले टाबर कर्मचारी है टाबर कर्मचारी है जना के हाँ भाभी साची बात है ताने क्या मिलेगी अच्छा तो यार गाँव में एक और ना तो मिलेगी पड़ोसी पड़ोसी में कोई वो मिले साहब अरे वो राशन वगैरह भी मिल जाएगा अब राजस्थान का वो तो मान गया रो मैं चूरू तहसील की बात कर रहा नहीं राशन 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 बहुत मिल रही है राशन तो ऊपर चले गए हो तो गहलोत सरकार दे रही है गहलोत सरकार दे रही है बना रहे हो तो आटे राजेंद्र राठौड़ है नहीं तो गहलोत सरकार तो तहसील और बहुत बड़ी राजेंद्र राठौड़ बना रही है फोन करे एक सके पट दे बना दे ये तो योजना तो गहलोत सरकार की है अभी कदर तो योजना कोई बर्तनियों से चाहिए खेत में बाजरी खड़ी है अभी निराने ने अभी कटे ने जो बाजरी कटवा होगी अच्छा ये मोबाइल भी मिले अबकार बालका ने बच्चे लोगों तो है तो खोना से हो तो बच्चे के भविष्य को एकदम खराब है लड़कियों के लिए बच्चों के लिए के काम में ले रहे हैं मोबाइल
धंधा करे फैक्ट्री चले कोई को काम धंधो चले तो मोबाइल काम आवे तो मोबाइल आगे तो यही ही पहली स्कूल में लड़ाई हो रही है। मास्टर लोग बैठे हैं ए कहेंगे स्कूल में टापरान मोबाइल ना दो तो ए घर मोबाइल बाप रेड़ा बूढ़ लिखने पे छोरा छोरी छोड़े सच्ची बात है तो इससे तो बुरा असर होगा। अच्छा बाबा ते करे हो जिया बूढ़ लगन की करे हो बूढ़ लगन दे दियो मोबाइल बापड़ी कर ली छोरी छोरी अपनी मां चोखो काम करिए अच्छा निबन कुन लाग दियो बापड़ा तो टॉपर नौकरी करे पैसा छोरों को अब गरीब कटो लिया तो बापड़ो गरीब का तो मौज है बूढ़ा आदमी बात कर ली मन तो चौको लगा गलोत जी तो मुख्यमंत्री को नहीं सुंदर क्या लग है योजना जीती गलोत की बनाई कोई नहीं कोई अब झूठा डाक बाखड़ी मान लीजिए अरे विधायक को नहीं जाट ना राठौड़ का पैसे नौकरा दी तो कोई जाट ने लिया होगा तो जाट दो जीते मैं सुन रहा हूँ कृष्णा पूनिया कोई पूनिया हो चाहे बुल्ड खाओ बराबर को आया जीते हो देने को मतलब कोई जाट टकरा हाँ जीते कांग्रेस को धनी है कोई सच्ची बात है तो किन जावा फिर यूं क्यों खो की खड़ी क्यों रहा सही बात है और की करा बता अच्छा यह एक चीज और बताओ मन जी चूरू जिले के मैंने लोग कहे है कि सीकर और झुंझुनू से पिछड़ो है जिलो है इम कितनी सच्चाई है थामने के लगे भाई झुंझुनू मन तो पिछड़ो लगे को नहीं आगे झुंझुनू झुंझुनू नहीं तो? चूरू चूरू पिछड़ो है के चूरू पानी कोनी जिंदगी में कोनी आप जीव जो तदाव नहीं मरिया मैंने बेरो को नहीं पीने को नहीं पानी आज भी नलाओं लेनो पड़े या बाऊ मटकाओं लेनो पड़े टुंटी ला नहीं बापड़ा आप आपकी पर्सनल ट्यूबवेल बना रखी है ट्यूबवेल लगी है हां आप आपकी पर्सनल ट्यूबवेल ग्राम बना रखी है। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं सोमासी गांव में मौजूद था यहां पे कुछ लोग बैठे थे ताश पत्ती खेल रहे थे इन लोगों से जानने की कोशिश की कि चुनावी माहौल क्या है लेकिन इस गांव के लोग यहां पे वोटिंग में तो बता दें कांग्रेस को ज़्यादा देते हैं लेकिन जीतने की स्थिति बता दें आज भी राठौड़ साहब की। अब देखना होगा 2023 में चूरू से कौन विधानसभा पहुँचता है लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप RGT24 की चुनावी यात्रा लगातार देखते रहिए भूलिएगा नहीं RGT24 की चुनावी यात्रा रोज़ हर किसी गांव में जा रही है आपके गांव में अब तक नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने नंबर शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपके गांव में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार।